सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे जो हेड हंटर्स के नाम से मशहूर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की नागा रेजिमेंट के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको नागा रेजिमेंट की बहादुरी के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। में स्थापित हुई नागा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे यंगेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट में से एक है और जो इसके सबसे पहली बटालियन थी उसे रानीखेत में स्थापित किया गया था, यानी कि वही जगह जहां पे इंडियन आर्मी की हाईएस्ट डेकोरेटेड कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर भी है। और जो ये नागा रेजिमेंट है ये कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ही एफिलिएटेड है। इस रेजिमेंट में जो जवान भर्ती किए जाते हैं वो मुख्य रूप से भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड से होते हैं, लेकिन जब शुरू में इस रेजिमेंट को स्थापित किया गया था तब कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स और 3 गुरखा राइफल्स की बटालियन की मैन पावर के साथ इसे बनाया गया था और करीब 69 नागास को अंडरग्राउंड नागास के रिहैबिलिटेशन कैंप से डायरेक्टली एनरोल किया गया था। और ऐसे भी नहीं है कि इस रेजिमेंट में सारे नागाज ही होते हैं, बल्कि इस रेजिमेंट के 50% ट्रूप्स नागाज होते हैं और जबकि बाकी के कुमाऊनी, गढ़वाली और गोरखाज में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। वर्तमान समय में नागा रेजिमेंट की 3 बटालियन है और जबकि 1 बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की भी है जो कि 164 इन्फेंट्री बटालियन के नाम से जानी जाती है। नागा रेजिमेंट का जो वॉर क्राय है वो है जय दुर्गा नागा। और अपनी स्थापना के बाद से इस रेजिमेंट ने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर, यूएन मिशन और 1999 के कारगिल वॉर में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खैर ये तो हो गई इस नागा रेजिमेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इस रेजिमेंट से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट पर जिनको जानने के लिए ही आप में से अधिकतर लोग इस वीडियो को देखने आए हैं। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था कि जो नागा रेजिमेंट है ये मुख्य रूप से द हेड हंटर्स के नाम से जानी जाती है, यानी कि एक तरीके से ये नागा रेजिमेंट का निकनेम है। और अगर इस रेजिमेंट को इस तरह का निकनेम मिला है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ मजबूत रीजन भी होगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो नागा ट्राइबल है यानी कि नागा आदिवासी, वो ट्रेडिशनली अपने पास स्कल रखते हैं और स्कल रखने के उनके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला तो ये कि जो उनके पूर्वज मर चुके हैं तो उनके सम्मान में और एक निशाने के तौर पर वो उनके स्कल को अपने पास प्रिजर्व करके रखते हैं। और दूसरा कारण ये है कि ये अपने उन दुश्मनों के स्कल भी रखते हैं जिन्हें इन्होंने मारा होता है और मरे हुए दुश्मनों का स्कल उनकी जीत की निशानी होता है। तो मुख्य रूप से ये 2 कारण है जिस वजह से इन्हें हेड हंटर्स भी कहा जाता है। और संजय चौधरी द्वारा लिखी गई एक बुक जिसका नाम है डिस्पैचेस फ्रॉम कारगिल, इस बुक में एक इंसिडेंट के बारे में बात की गई है जिसमें 17 जाट बटालियन के एक सिपाही अपने सीनियर से इन नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स के बारे में पूछता है, साहब सुना है ये सर काट के ले जाते हैं और इंसान भी खा लेते हैं। और नागा रेजिमेंट के दुश्मनों के अंदर इतना खौफ है कि उन्हें इतना डर है कि नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स के हाथ अगर ये पड़ गए तो नागा रेजिमेंट दुश्मनों को बंदी नहीं बनाती है बल्कि सीधा फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा नागा रेजिमेंट से जुड़ा एक इंसिडेंट ये भी है कि जब इस रेजिमेंट की 2nd बटालियन को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किरण सेक्टर में इंडक्ट किया गया था और जहां उन्हें 24 किलोमीटर लंबी LOC की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही साथ वहां पर उनका ये भी काम था कि वे एंटी नेशनल एलिमेंट्स और उनके ऑपरेशंस को भी काउंटर करें। और इसी सेक्टर पर तैनात रहते हुए जो 2nd नागा बटालियन थी उसने ऑपरेशन रोमियो नाम के एक लैंडमार्क ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया था और इस ऑपरेशन रोमियो के साथ उनका प्रमुख उद्देश्य था LOC पर अपना डोमिनेशन स्थापित करना, यानी कि दुश्मनों से ज्यादा खुद LOC पर हावी रहना ताकि दुश्मन भारत में घुसपैठ ना कर सके। और अब आप इस रेजिमेंट की कुशलता के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन था ये इतने प्रिसाइज तरीके से अंजाम दिया गया था कि भारत की तरफ एक सिंगल कैजुअल्टी भी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि जब स्टार्टिंग में नागा रेजिमेंट को LOC पर डिप्लॉय किया गया था तो पहले होता यह था कि LOC पर जब आर्मी की कोई नई रेजिमेंट डिप्लॉय होती थी तो पाकिस्तानी आर्मी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके उस रेजिमेंट का एक तरीके से स्वागत करती थी, यानी कि एक तरीके से वे डराने की कोशिश करते थे और ये दिखाना चाहते थे कि उनका डोमिनेशन ज्यादा है। और जब नागा रेजिमेंट LOC पर आई तब भी पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स ने यही किया, उन्होंने नागा रेजिमेंट की फॉरवर्ड पोस्ट पर मोर्टार शेल से हमला किया, लेकिन नागा रेजिमेंट ने उस समय उस हमले के लिए रिटेलिएट नहीं किया और पाकिस्तान की तरफ से करीब 2 मोर्टार शेल नागा रेजिमेंट की फॉरवर्ड पोस्ट पर फायर किए गए थे। लेकिन तब तक पाकिस्तानी आर्मी को नहीं पता था कि वे गलत पंगे ले रहे हैं। तो फिर हुआ यह कि लगातार अगली 2 रातों तक कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स सीमा पार करके भारत की तरफ आते, नागा रेजिमेंट की पोस्ट पर हमला करते और वापस भाग जाते। और जब 2 रातों तक लगातार ऐसा हुआ तो फिर नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स ने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और अब की बार जब पाकिस्तानी सोल्जर्स आए तो उनमें से 2 को
नागा रेजिमेंट के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन्हें पकड़ के पेड़ से बांध दिया और उनके सामने अपना ट्रेडिशनल नागा डांस परफॉर्म किया। हालांकि इस वाले इंसिडेंट को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये जो पूरी घटना हुई थी ये भारत की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ हुई थी और नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स पाकिस्तान की तरफ गए थे उन्हें सबक सिखाने के लिए और उनको उनकी ही जगह पर बांध दिया था। और कहा जाता है कि जिन दो पाकिस्तानी सोल्जर्स को इन्होंने पकड़ा था उनमें से एक की इन्होंने टांग काट दी और उसकी टांग को उनके ही सामने पका भी रहे थे। और फिर अगली सुबह नागा सोल्जर्स ने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस जाने दिया। और जब ये घटना हुई तो उस समय नागा हवलदार और सिपाही के बीच एक कन्वर्सेशन काफी ज्यादा मशहूर है जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल भी है। और वो कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से है, तो जब उन पकड़े गए पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस छोड़ा जा रहा था तो नागा सिपाही ने अपने सीनियर से कहा, उस्ताद इनको रखते हैं, इनका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा है। तो इसके जवाब में उनके सीनियर ने ये कहा कि नहीं रे, इनको जाने दो, ये दोनों बहुत कमजोर हैं, अब यहाँ 3 साल रहना है, तो टेंशन मत ले और बहुत मोटे तगड़े मिलेंगे। और ये भी कहा गया है कि जो बदकिस्मत पाकिस्तानी सोल्जर्स नागा रेजिमेंट के सिपाहियों की गिरफ्त में आ गए थे वो असल में पाकिस्तानी आर्मी की बलूच रेजिमेंट से थे। और फिर इस घटना के बाद से जो 3 साल तक नागा रेजिमेंट उस जगह पर थे तब तक उन 3 सालों में पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी। और ये भी कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स 3 सालों तक अपनी फॉरवर्ड पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे। और ये पूरा इंसिडेंट इतनी तेजी से फैला कि LOC के पार जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट थे वे इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने बायनोकुलर से नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स पर नजर रखें। तो ये थे नागा रेजिमेंट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। और आपको ये भी बता दें कि 1999 के कारगिल वॉर में भी नागा रेजिमेंट की 2nd बटालियन ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कारगिल वॉर शुरू होने से पहले जब ऐसे इनपुट्स मिलने लगे थे कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत की तरफ आए हैं तब नागा रेजिमेंट की 2nd बटालियन उन यूनिट्स में से एक थी जिन्हें इस कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले इंडक्ट किया गया था। और चूंकि नागा रेजिमेंट के किस्से पाकिस्तानी सोल्जर्स पहले भी सुन चुके थे तो कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स के अंदर नागा रेजिमेंट के सिपाहियों का एक अलग ही खौफ था। और कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए इस रेजिमेंट के सिपाही इमलक माओ को महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और वैसे हमारे निकम्मे पड़ोसी के सैनिकों को इस रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के 1 साल बाद ये दिखा दिया था कि वे नागा रेजिमेंट के शौर्य को कम आंकने की गलती ना करें। और अपने अदम्य साहस और वीरता के साथ नागा रेजिमेंट की 1st बटालियन ने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में अपने रेजिमेंट का नाम अर्न कर लिया था। और इसी वॉर में इस रेजिमेंट को एक वीर चक्र और 3 सेना मेडल्स भी मिले थे। और जबकि इस रेजिमेंट की 2nd बटालियन सूडान में UN मिशंस में भी डिप्लॉय की जा चुकी है। बाकी इस रेजिमेंट को 1 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल और 48 सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और मेजर डेविड मोनलम भी इसी रेजिमेंट के योद्धा थे जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और जो लप्पा ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये बिल्कुल फ्री है।